हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलिब्रेट योर मॉनिटर फॉर फोटोग्राफी। बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं और बहुत सारे फोटोग्राफर जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर एक वीडियो जो है आप इस पर ज़रूर बनाइए, क्योंकि हमें पता करना है कि क्या फ़र्क पड़ता है मॉनिटर को कैलिब्रेट करने के बाद और मॉनिटर को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं वो भी बराबर जो है अपने फीडबैक में हमें बता रहे थे कि सर जब भी हम पिक्चर शूट करते हैं तो जो हमारा कैमरे का एलसीडी स्क्रीन होता है वहाँ तो हमें पिक्चर दिखाई देती है बहुत ही अच्छी, यानी कि ट्रू कलर्स के साथ, लेकिन जब हम वही पिक्चर्स अपनी ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप पर या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर तो वहाँ पर जो इमेजेस कई बार जो है उनका कलर जो है काफ़ी ड्रॉप होता है और वो पिक्चर थोड़ी डार्क हमें दिखाई देती हैं। तो क्या कारण है, क्या हमारी पिक्चर्स हमने ख़राब शूट की हैं या फिर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैंने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जिससे आपको पता चलेगा कि वाई मॉनिटर कैलिब्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ। देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है, ये देखिए ये है मेरा एक कैलिब्रेटर और ये है इसके साथ में काउंटरवेट और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यूएसबी केबल है जो हम अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप जैसे भी हम कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं हम उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं इस केबल के थ्रू। और ये है इसका कैलिब्रेटर का एक छोटा सा दोस्तों स्टैंड और ये जो है दोस्तों ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये लग जाता है। सो दोस्तों ये था मेरा जो कैलिब्रेटर, ये है मेरा मॉडल स्पाइडर प्रो 3 और ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अब जो है काफ़ी सारे नए मॉडल्स आ गए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा जो भी लेटेस्ट मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब ये समझ लेते हैं कि कैलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें अपने मॉनिटर की। तो दोस्तों ये बात समझिए, जैसा आपने बताया कि भाई आप पिक्चर जब शूट करते हैं पीछे कैमरा के ऊपर तो आपको एलसीडी पे अच्छे से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर ट्रांसफ़र करते हैं तो पिक्चर्स जो आती हैं आपकी थोड़ी कलर चेंज होते हैं या डार्क हो जाती हैं। तो उसका कारण ये है कि जो आपकी स्क्रीन है यानी कि आपका जो मॉनिटर है वो कैलिब्रेटेड नहीं होता है। अब यहाँ इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं, कैलिब्रेशन से मतलब ये है कि जो आपकी स्क्रीन है उसके अपने कुछ रिजोल्यूशंस होते हैं जो भी कंपनी का आपने मॉनिटर ख़रीदा है और वो एक फैक्ट्री LCD सेटिंग्स पे आ जाता है कि भैया ये फैक्ट्री सेटिंग्स है और आप उसे यूज़ करते रहते हैं। अब जो भी सेटिंग्स है आपकी मॉनिटर की वही कलर वो जो है आपको प्रोड्यूस करके देगा, फिर चाहे आपने किसी भी कैमरा से पिक्चर्स को शूट किया हो। इस वजह से जो है काफ़ी सारा जो है डिफरेंस आ जाता है कलर्स के अंदर जो आप कैमरा की स्क्रीन पर देखते हैं और जो पिक्चर्स आप वही पिक्चर्स जो आप देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसलिए हम ये समझ लें कि हमें उसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है अपने मॉनिटर को। सो कैलिब्रेशन से मतलब ये है कि हम अपने मॉनिटर के जो कलर्स हैं उनको करेक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि कलर्स को करेक्ट करना, उसके लिए हम जो है ये कैलिब्रेटर यूज़ करते हैं ताकि आप रेड को एज रेड, ग्रीन को ग्रीन, ब्लू को ब्लू, ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रू कलर्स आप अपने स्क्रीन पर देख पाएँ। तो दोस्तों मैं अब एक छोटा सा आपको डेमो दूंगा कि कैसे हम इसको कैलिब्रेट करते हैं, फिर हम देखेंगे बिफोर कैलिब्रेशन हमारा स्क्रीन कैसी इमेजेस दिखा रहा था और आफ्टर कैलिब्रेशन जो है हमें हमारी इमेजेस के कलर्स में क्या फ़र्क आया, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि मॉनिटर कैलिब्रेशन जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अपने मॉनिटर का कलर कैलिब्रेशन करें तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो स्क्रीन है वो कम से कम आधे घंटे से ऑन होना चाहिए, चाहे अब आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या आपका लैपटॉप हो, यानी कि हमको अपने स्क्रीन को थोड़ा वार्म होना चाहिए। सो हाफ एन आवर इज़ द परफेक्ट टाइम, आधे घंटे आप स्क्रीन को अपना ऑन रखिए, उसके बाद ही आप कैलिब्रेशन का प्रोसेस शुरू कीजिए। और दूसरी चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है वो ये है दोस्तों कि जहाँ भी आप ज़्यादातर वक्त अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या लैपटॉप के साथ बिताते हैं उसी जगह पे आप इसको कैलिब्रेट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एडिटिंग करते हैं अपने ऑफिस में बैठ के या किसी पर्टिकुलर रूम में बैठ के जहाँ पे आपने एक ट्यूबलाइट या दो ट्यूबलाइट जला रखी हैं या जो भी लाइटिंग कंडीशन में आप काम करते हैं उसी लाइटिंग कंडीशन में जो है आप अपने स्क्रीन को कैलिब्रेट कीजिए, जिससे कि आपका जो
जो भी आपका एनवायरनमेंट है उस वक्त लाइटिंग कंडीशन, उसके हिसाब से जो है आपकी स्क्रीन भी अच्छे से कैलिब्रेट हो। तो फिलहाल मैं जो काम करता हूँ अपना, ज़्यादातर अपने ऑफिस में बैठ के करता हूँ, तो मैं अब इस अपने लैपटॉप को लेके जाऊँगा ऑफिस में और इस कैलिब्रेटर को भी, और वहाँ पर हम करेंगे इसका कलर कैलिब्रेशन और देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो मॉनिटर है वो कैलिब्रेट होता है और फिर फ़र्क आपको एकदम नज़र आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस के अंदर, और ऑफिस में क्योंकि मैं ज़्यादातर वक्त में यहीं पे अपनी इमेज को ब्राउज़ करता हूँ या मुझे पिक्चर्स अपनी सेलेक्ट करनी होती है तो इसी लाइटिंग एनवायरनमेंट में करता हूँ, तो यहाँ इसी वजह से मैं अपना कैलिब्रेशन भी जो है अपना ऑफिस में ही कर रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कैलिब्रेटर खरीदें तो उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर आता है सीडी में, या फिर आप सॉफ्टवेयर डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ अभी, तो यहाँ पर लिखा है लॉन्च स्पाइडर प्रो, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको लॉन्च कर लेते हैं हम पहले, और इस तरह से जो है ये शुरू हो जाता है आप देख पा रहे हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंने अपना, देखिए ये स्पाइडर प्रो जो है ये मैंने कनेक्ट किया है थ्रू यूएसबी केबल अपने एलसीडी के साथ में, और अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे खुल गया है अभी स्पाइडर 3 प्रो। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है वार्म अप, हैव यू अलाउड योर डिस्प्ले टू वार्म अप फॉर हाफ एन आवर। यस, हमने बिल्कुल आधे घंटा जैसे मैंने बताया हमने बिल्कुल इसको वार्म अप किया है स्क्रीन को। लाइटिंग कंडीशन के लिए पूछ रहा है कि हैव यू चेक्ड दैट नो इंटेंस लाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन। तो बिल्कुल कोई भी जो डायरेक्ट लाइट है वो हिट नहीं कर रही है हमारे स्क्रीन पे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये आप सारा पढ़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, तो देखिए यहाँ पर जब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए हैं, LCD, CRT एंड लैपटॉप। तो फिलहाल हम अपने लैपटॉप को कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल लैपटॉप के ऊपर ही जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है चूज द डिस्प्ले टू कैलिब्रेट, तो यहाँ पे एक डेट लिखी है, तो मैं यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ और हम आज की डेट डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज है डेट 24 जनवरी 2019, तो मैंने डाल दिया है 24 जनवरी 2019। इसका एडवांटेज ये होता है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं कैलिब्रेट करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने कब कैलिब्रेट किया था। अब कर देते हैं हम ओके पे क्लिक। सो अब वापस हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे, और यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है सेलेक्ट द डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर। तो मेरा जो लैपटॉप है एप्पल का है और मेरा जो मॉडल है मैकबुक प्रो रेटिना, तो आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। अब करते हैं हम क्लिक नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रिकैलिब्रेट योर डिस्प्ले, चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर करंट कैलिब्रेशन, और उसके बाद ये कह रहा है लास्ट में फुल कैलिब्रेशन ऑफ योर डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फुल कैलिब्रेशन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने स्क्रीन को जो है कैलिब्रेट नहीं किया, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फुल कैलिब्रेशन। अब यहाँ पे तीन सेटिंग्स हैं, गामा, वाइट पॉइंट एंड ब्राइटनेस। सो फ्रेंड्स मैकबुक प्रो के लिए रिकमेंडेड है गामा 2.2, तो मैंने वही सेलेक्ट किया है। विंडोज़ वर्जन अगर आपके पास है तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि उसमें गामा 1.8 रखना है कि 2.2 रखना है। सो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट ये तीनों सेटिंग्स हैं। ब्राइटनेस मैंने रखा है नेटिव और वाइट पॉइंट 6500, यानी कि बिल्कुल डिफॉल्ट पे रखा है। अब हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट। सॉरी मैं इसको पहले फुल कैलिब्रेशन में सेलेक्ट कर चुका हूं। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है प्लेस योर स्पाइडर हेयर। तो अब मैं यहां से दोस्तों अपना स्पाइडर देखिए इस तरह से निकालूंगा, और ये जो काउंटरवेट आप देख रहे हैं ये पीछे इस तरह से लटक जाता है, और वो मैं आपको अभी आप देख पा रहे हैं किस तरह से हमें जो है ये लगाना है। बिल्कुल हमने प्लेस पे देखिए इस तरह से लगा दिया है, कैन यू सी दिस। तो ये लग गया है हमारा स्पाइडर प्रो 3 यहाँ पे। अब जो है मुझे क्लिक करना है दोस्तों, ये एक तरह से स्क्रीन पे चिपक सा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको केयरफुली लगाना है। नाउ इट सेज वंस यू क्लिक द नेक्स्ट बटन द कैलिब्रेशन प्रोसेस विल बिगिन, तो हम करेंगे इसको नेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो है अब कैलिब्रेशन हमारा शुरू हो गया है। यहाँ नीचे आप देख पा रहे लिखा रहा है मेजरिंग, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है दोस्तों, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम फुल कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट करीब कभी कभी इसमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देखते रहिए। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ गया है मेजरिंग कंप्लीटेड एंड प्लीज रिमूव योर स्पाइडर एंड क्लिक फिनिश। तो मैं यहाँ से अब कर देता हूँ इसे रिमूव इस तरह से, और ये ऑलमोस्ट हमें काफ़ी सारा टाइम लगा, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है दोस्तों, ताकि आप जो है आसानी से इस पूरे प्रोसेस को समझ पाए। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक पे
फिनिश पे क्लिक, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम डाल देंगे आज की डेट, जैसे हमने डाला था 24 जनवरी 2019, यानी कि हमें याद रहेगा। और यहाँ पे कैलिब्रेशन रिमाइंडर डाल दिया 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने के बाद हमें ऑटोमेटिकली ये रिमाइंड कराएगा कि आप अपने स्क्रीन को कैलिब्रेट कर दीजिए। अब ये जो प्रोफाइल है दोस्तों, इसे मैं कर लेता हूँ सेव, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और यहाँ पर आ गया मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड एंड योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली यूज दिस न्यू प्रोफाइल। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम स्क्रीन को कैलिब्रेट करते हैं। मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे दोस्तों एक सैंपल दिया हुआ है, एक सैंपल इमेज, समझाने के लिए कि बिफोर एंड आफ्टर क्या फ़र्क पड़ता है, बट एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए मैं स्विच कर देता हूँ इसे, तो ये तो था हमारा कैलिब्रेटेड व्यू और ये था हमारा नॉन कैलिब्रेटेड व्यू। सो इसे बेटर ढंग से समझने के लिए फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी मेरी वेबसाइट खोली, आप देख पा रहे हैं www.manishsaxena.com, और यहाँ मेरी वेबसाइट पर मैं एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये, तो ये जो अब आप देख पा रहे हैं इमेज, ये है बिल्कुल कैलिब्रेटेड स्क्रीन का जो है इफेक्ट, यानी कि स्क्रीन को जब हमने कैलिब्रेट किया अपने मॉनिटर को, तो हमें कलर्स मिल रहे एकदम ट्रू। और अब मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट कैलिब्रेशन का क्या जो है, हमें कलर्स, हम कितने सारे कलर मिस करते हैं, ताकि आपको आइडिया आएगा कि अगर हमारी स्क्रीन कैलिब्रेट नहीं है तो हम जो हमारी ट्रू कलर्स हैं इमेज के, वो हमें बिल्कुल पूरे नहीं मिल पाते। तो मैं जाऊंगा सिस्टम प्रेफरेंसेस में और यहाँ मैं क्लिक करूंगा कलर LCD, तो यानी कि ये जो है मेरा प्रोफाइल आ गया डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग्स। तो आप देख पा रहे हैं फैक्ट्री सेटिंग्स पे इस तरह की हमें कलर मिल रही है, जो कि अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन कैलिब्रेटेड नहीं है, यानी कि राइट कलर्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर आज का हमारा जो हमने जो कैलिब्रेट किया है, मैं उसे सेलेक्ट करूंगा 24 जनवरी 2019, यानी कि आज का प्रोफाइल। तो जैसे हम ये प्रोफाइल चेंज करते हैं फ्रेंड्स, आप देखिए कितना फर्क आ जाएगा, दिस इज विदाउट कैलिब्रेशन एंड दिस इज विथ कैलिब्रेशन। तो दोस्तों अब आपको समझ आया होगा कि कैलिब्रेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाना चाह रहे हैं और आपको अपने शॉट्स में चाहिए एकदम परफेक्शन, तो फिर एक अच्छे कैलिब्रेटर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी करो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। Thanks for watching.